हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी कॉलेज लाइफ के अंदर भी अच्छा कर रहे होंगे। आज की वीडियो में मैं कॉलेज स्टूडेंट के लिए लेकर आया हूँ एक लेटेस्ट स्कॉलरशिप। इस स्कॉलरशिप का नाम है SR जिंदल स्कॉलरशिप। इस स्कॉलरशिप में आपको सिंपली फॉर्म फिलअप करके सबमिट करना है और कोई स्कॉलरशिप एग्जाम नहीं देना है। तो अगर आप इस स्कॉलरशिप के अंदर इंटरेस्टेड हो, इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो, तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है। तो इस स्कॉलरशिप को कॉलेज के कोई भी स्टूडेंट फिल कर सकते हैं, कोई भी अंडर ग्रेजुएट या फिर कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इस स्कॉलरशिप के लिए कौन कौन एलिजिबल है और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और किस तरीके से इसके फॉर्म को फिल करना है और फॉर्म आपको कहाँ पे मिलेगा, ये सब चीज़ें मैं वीडियो में आपको डेप्थ में बताने वाला हूँ बिल्कुल। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है और वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को और सब्सक्राइब करके रख लीजिए चैनल को, ताकि आपको आगे भी ऐसी ही रेलिवेंट और गुड इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले कैटेगरी सी के स्टूडेंट्स के लिए बात कर लेते हैं। कैटेगरी सी के अंदर वो स्टूडेंट्स आते हैं जो इंजीनियरिंग और ITIs के अंदर नहीं है, यानी आप इंजीनियरिंग और ITIs को छोड़ के जो भी कोर्स कर रहे हैं, लाइक BA, BCom, BTech, जितने भी कोर्सेज हैं इंजीनियरिंग और ITIs को छोड़कर, वो स्टूडेंट्स इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, कैटेगरी सी के अंदर। तो कैटेगरी सी के स्टूडेंट्स के लिए क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? तो कैटेगरी सी के स्टूडेंट्स के लिए 12th के अंदर मिनिमम बॉयज़ के लिए 55% मार्क्स होने चाहिए और गर्ल्स के लिए 50% मार्क्स होने चाहिए 12th के अंदर, ठीक है। कर्नाटक और वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स के लिए जो मार्क्स है वो थोड़े से हाई रिक्वायर होते हैं, वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर शो हो रहा होगा कितने मार्क्स चाहिए। और रिवॉर्ड्स मैं आपको बता देता हूँ कि कितने रिवॉर्ड्स मिलेगा, जो कि बॉयज़ के लिए आपको मिलेंगे यहाँ पर 1,100 रुपीज़ पर मंथ, पर मंथ बता रहा हूँ मैं, पर ईयर नहीं बता रहा हूँ। और गर्ल्स के लिए आपको मिलेंगे 1,400 रुपीज़, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। फिजिकली हैंडीकैप और एक्स सर्विसमैन के अंदर, कैटेगरी के अंदर जो स्टूडेंट्स आते हैं उनके भी आप यहाँ पर देख सकते हो कितना रिवॉर्ड उनको मिलेगा, यहाँ पर आप देख सकते हो। कैटेगरी सी के अंदर ही पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स के लिए बात कर लेते हैं। जो स्टूडेंट इन कोर्सेज़ के अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि मास्टर्स कर रहे हैं, उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि बॉयज़ के लिए जो लास्ट डिग्री है, लाइक उन्होंने बैचलर्स के अंदर जो डिग्री ली है, उसके अंदर उनके जो मार्क्स होने चाहिए बॉयज़ के लिए होने चाहिए 60% और गर्ल्स के लिए होने चाहिए 55% मार्क्स। तो इसमें रिवॉर्ड्स मिलेंगे, बॉयज़ को इसके अंदर रिवॉर्ड मिलेंगे 1,500 रुपीज़ और गर्ल्स को मिलेंगे 1,800 रुपीज़। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं सारी इन्फॉर्मेशन की किसको कितने परसेंट मार्क्स चाहिए। कर्नाटक के स्टूडेंट्स को इसमें थोड़े से हाई मार्क्स चाहिए, आप देख सकते हैं, और रिवॉर्ड्स कितने मिलेंगे आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ठीक है। इंजीनियरिंग और मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए मैं आपको बता देता हूँ एलिजिबिलिटी क्या है। तो इंजीनियरिंग और मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए 12th के अंदर बॉयज़ को चाहिए 65% मिनिमम मार्क्स और गर्ल्स को चाहिए 60% मिनिमम मार्क्स। स्क्रीन पर आप देख सकते हो कि बॉयज़ को और गर्ल्स को इंजीनियर और मेडिकल में क्या क्या रिवॉर्ड्स मिलेंगे पर मंथ, ये सभी जो आपको यहाँ पर प्राइस दिख रहा है ये स्कॉलरशिप रिवॉर्ड का, ये सभी पर मंथ के टाइप में आपको दिख रहा है। तो इंजीनियरिंग और मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए ये एलिजिबिलिटी और ये रिवॉर्ड्स आपको मिल रहे हैं। डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो है बॉयज़ के लिए 55% और गर्ल्स के लिए है 50%। यहाँ पर गर्ल्स को मिलेगी 1,200 रुपये पर मंथ की स्कॉलरशिप और बॉयज़ को मिलेगी 1,000 पर मंथ की स्कॉलरशिप। तो ये थी ग्रेजुएशन के बाद में हम बात कर रहे थे डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए। तो ये थी डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी और क्या क्या स्कॉलरशिप रिवॉर्ड है। ये कैटेगरी डी के अंदर आते हैं डिप्लोमा स्टूडेंट्स, तो ध्यान से देख लीजिए कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है और क्या क्या इसमें स्कॉलरशिप रिवॉर्ड्स हैं। ITI स्टूडेंट्स के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो बॉयज़ के लिए है 12th के बाद कर रहे हो या फिर 10th के बाद कर रहे हो, तो जो आप लास्ट क्लास आपने करी है उसके अंदर आपके होने चाहिए, बॉयज़ के होने चाहिए 45% मार्क्स मिनिमम और गर्ल्स के होने चाहिए 35% मिनिमम मार्क्स। यहाँ पर प्राइवेट अगर आप ITI इंस्टीट्यूट से कर रहे हो तो आपको 700 रुपीज़ की स्कॉलरशिप रिवॉर्ड मिलेगा, और गवर्नमेंट ITI से कर रहे हो, ITI से कर रहे हो तो आपको मिलेंगे 500 रुपीज़ यहाँ पर। तो ये थी ITI स्टूडेंट्स के लिए जो कैटेगरी बी के अंदर आते हैं उनके लिए एलिजिबिलिटी और स्कॉलरशिप रिवॉर्ड आप स्क्रीन पर देख सकते हो। और जो स्टूडेंट्स हॉस्टल्स के अंदर रह रहे हैं उनको अलग से स्कॉलरशिप के अंदर रिवॉर्ड्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप इंजीनियरिंग और मेडिकल के स्टूडेंट हो जो हॉस्टल्स के अंदर रह रहे हैं, तो आपको 1,800 रुपीज़ का एडिशनल चार्ज मिलेगा पर मंथ, ठीक है। और अगर आप दूसरे कोर्सेज में जो भी अलग है इंजीनियरिंग और मेडिकल को छोड़कर जितने भी सभी कोर्सेज हैं उनमें अगर आप हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट हो, तो आपको 1,200 रुपीज़ पर मंथ का एडिशनल यहाँ पर आपको बेनिफिट मिलेगा।
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखने के बाद हम देख लेते हैं किस तरीके से फॉर्म को फिल करना है। मेरे हाथ में है इस वक्त सीताराम जनरल स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन फॉर्म, तो ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा पीडीएफ का, वहाँ से आपको उस पीडीएफ को प्रिंट आउट करवा लेना है। इस फॉर्म में आपको इस तरीके से इसके कितने पेजेस है, 1, 2, 3 एंड 4, टोटल 4 पेजेस हैं जो आपको प्रिंट आउट करवा लेने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं कि आपको किस तरीके से इस फॉर्म को फिल करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी फ़ोटो अटैच करनी है, उसके बाद में आपको अपने नाम, पर्सनल डिटेल्स, आपको सभी चीज़ें यहाँ पर फिल करनी है। आप देख सकते हैं आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पर फिल करनी है, आप देख सकते हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई भी दिक्कत आए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। ये रही मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल, इंस्टाग्राम प्रोफाइल के यहाँ पर मैं नाम बता रहा हूँ आपको, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी पर्सनल डिटेल्स को फिल करने में आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी मुझे बता सकते हो, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ, जो 12th नंबर का पॉइंट है उसके अंदर पूछा गया है कि हैव यू अप्लाइड प्रीवियसली टू अस फॉर स्कॉलरशिप, क्या आपने पहले भी सीताराम जिंदल स्कॉलरशिप को के लिए अप्लाई करा था या नहीं करा था, ये आपको बताना होगा। अगर करा था तो फिर आपको यहाँ पर उस फाइल नंबर यानी जो एप्लीकेशन नंबर है वो आपको यहाँ पर लिखना होगा, रेफरेंस नंबर, ठीक है। इसके बाद में आपको 14 नंबर का क्वेश्चन है वो भी बड़े ध्यान से फिल करना है, और 15 नंबर का क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा गया कि आपको पहले से कोई स्कॉलरशिप मिल रही है, तो अगर मिल रही है तो येस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए, और येस किया है तो स्कॉलरशिप का अमाउंट बताइए कितना है। इसके बाद में आपको 16th नंबर पर जो क्वेश्चन पूछा गया है स्कॉलरशिप अमाउंट रिक्वायर्ड पर मंथ, यहाँ पर आपको फिल उसे करना है जिसमें मैंने आपको बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में आपको कितना कितना प्राइस मिलता है, इन सब चीज़ों का जो प्राइस है, वैसे तो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बता दिया था, लेकिन आपको मैं एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पर आप अपने हिसाब से एलिजिबिलिटी और वो चेक करने का भी पीडीएफ देख सकते हैं, और उसकी मदद से आप 16 नंबर का पॉइंट फिल कर दीजिए, आप किस कैटेगरी के स्टूडेंट हो, ए बी सी जिसके भी, ठीक है। इसके बाद आपको अपने बैंक अकाउंट का डिटेल डालना है, ये सभी चीज़ें हैं, और आपको सबसे जो लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर है वहाँ पर आपने पेरेंट्स का या फिर गार्जियंस का साइन करवाना है, ठीक है, और सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट आपको राइट सबसे डाउन में जो सबसे राइट में है वहाँ पर आपको अपने साइन कराना है। इसके बाद में हम सेकंड पेज ओपन कर लेते हैं, और सेकंड पेज में देख लेते हैं यहाँ पर आपको प्रिंसिपल रिकमेंडेशन वाला सेक्शन मिल रहा है, ये जो सेक्शन है वो प्रिंसिपल खुद अपने हाथ से फिल करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको इसको फिल करने के बाद में प्रिंसिपल आपके स्कूल के या फिर कॉलेज के आईटीआई के जिस भी आप कैटेगरी के स्टूडेंट हो वहाँ पर आपको अपने प्रिंसिपल के साइन करवाने, और सील भी आपको चाहिए, स्टैंप चाहिए आपको, ठीक है। यहाँ पर ये सभी आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रिंसिपल खुद चेक करेंगे, ठीक है। इसके बाद में जो इस पेज के अंदर आप देख सकते हो इंस्ट्रक्शन दी गई है यहाँ पर किस किस तरीके की, आपको क्या क्या इंस्ट्रक्शन दी गई आप सभी पढ़ लेना, ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट है, और अदर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर एलिजिबिलिटीज़ क्राइटेरिया तो मैंने आपको बता ही दिए हैं, ठीक है। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं बताना भूल गया आपको, वो ये है कि अगर आपके 2.5 लाख से कम इनकम है तो इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, या फिर मैं तो कहता हूँ 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। और 4 लाख से ऊपर जिनकी एनुअल फैमिली इनकम है तो सैलरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, आपका अपने पेरेंट्स का, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी है कि आपकी जो एनुअल फैमिली इनकम है अगर 4 लाख से ज़्यादा है तो सैलरी सर्टिफिकेट वो चाहिए, ठीक है आपको। इसके बाद में हम देख लेते हैं आगे थर्ड पेज जो है, थर्ड पेज में यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट रिगार्डिंग एनुअल फीस फ्रॉम कॉलेज प्रिंसिपल, तो यहाँ पर आपको बता देते हैं कि ये जो सेक्शन है इसके अंदर आपसे पूछा गया है कि आपको माइनॉरिटीज़ वेलफेयर डिपार्टमेंट से कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, ठीक है। यहाँ पर ये सेक्शन जब फिल करना है, अगर आपको कोई नहीं मिल रही है, ठीक है, अगर मिल रही है तो फिर इसे फिल मत कीजिए। इसके बाद में एक और डिक्लेरेशन है यहाँ पर माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट से कि आपको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, जिसमें एक तरीके से दो तरीके के यहाँ पर ये हैं, यहाँ पर आपको इन्हें फिल करना है कि आपको कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। इसके बाद में हम नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं, सर्टिफिकेट ऑन स्टूडेंट्स एडमिशन कोटा अंडर गवर्नमेंट मेरिट कोटा और मैनेजमेंट कोटा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको इस एक्शन में आपको बताना है कि अगर आपको कॉलेज के अंदर मेरिट कोटा से मिला है या फिर मैनेजमेंट कोटा से मिला है तो आपको बताना होगा कि आपको मेरिट से मिला है या मैनेजमेंट कोटा से मिला है, ठीक है। तो इसके बाद आपको जो जो इन्फॉर्मेशन पूछी गई है आपको ये सब यहाँ पे फिल करनी है। अगर आप अपने कॉलेज के प्रिंसिपल के पास लेके जाओगे तो वो भी आपकी इसमें हेल्प कर देंगे, ठीक है। इसके बाद में आपको अगर आप हॉस्टल के अंदर हो तो ये जो अगला सेक्शन है एनेक्स योर
14 यानी फोर्थ एग्जिट जो है तो ही आपको इसे फिल करना है। यहाँ पर हॉस्टल से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन पूछी गई है, ठीक है। यहाँ पर वार्डन के आपके सुपरिटेंडेंट के साइन होगे सिग्नेचर के साथ में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हॉस्टल में अगर हो तो ही भरना, नहीं तो नहीं भरना है। उसके बाद में अगर आप रेंट पे कहीं रह रहे हो, पीजी के हॉस्टल में नहीं रह रहे हो, पीजी में रह रहे हो, तो फिर आपको जो एनएक्स और आईएक्स है जो कि नाइन्थ है वो फिल करना है। नहीं रह रहे हो तो नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद में बस यही इतना ही फॉर्म था इसमें। और अगर आप कोई भी दिक्कत आती है इस फॉर्म को फिल करने में आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, आपको इस सभी फॉर्म को फिल करने के बाद में से भेजना कहाँ पर है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो अदर इन सेकंड पेज के अंदर जो अदर इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, देख लेना आपके पास। जब आप प्रिंट आउट करवा लोगे तब आपको और ढंग से दिख जाएगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए, और मैं आपसे चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को एटलीस्ट अपने 5 दोस्तों के साथ में शेयर करें, बिकॉज आपके शेयर करने से किसी का फ़ायदा हो सकता है। तो एटलीस्ट अपने 5 दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि आपको ऐसे रियल और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे अबाउट स्कॉलरशिप, इंटर्नशिप और प्रीमियम कोर्सेज जो कि आपको फ्री में मिल सकते हैं, हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। तो उन सब चीज़ों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिस नहीं करना चाहते हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। आपको स्कॉलरशिप से रिलेटेड कोई भी क्यूरी या फिर कोई भी डाउट रह गया तो आप कमेंट करके मुझे बताइए, या फिर आप इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक्स मिल जाएंगी, एप्लीकेशन फॉर्म की लिंक और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर्म की लिंक, आपको सभी चीज़ों की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन को एक बार जरूर चेक करना है। मैं मिलूंगा आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में।